मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में आज झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला पहुंचे, जहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के उत्थान के लिए सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही दिल्ली से आई टीम ने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। इस मौके पर राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने कहा कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा शास्त्री नगर में एक भवन बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, शहर के भाईचारे पर बोलते हुए मंत्री जी ने कहा कि शहर में अमन चैन कायम रहे, इसकी वह सभी से अपील करते हैं और पुलिस व प्रशासन को हिदायत देते हैं कि किसी भी निर्दोष को ना उठाया जाए। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने का अधिकार ना तो पुलिस को है और ना ही लोगों को। यहां तक कि उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरठ में जो माहौल खराब हुआ है उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। प्रशासन की थोड़ी खामियों की वजह से ही माहौल खराब हुआ था। झुग्गियों में परिवार रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, उनके उत्थान के लिए उनको घर कैसे जाएं, वे घरों में कैसे जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में उनको कैसे आगे बढ़ें, उनका उत्थान कैसे करें, उनके हेल्थ की चिंता, तो उसको लेकर के आज ये झुग्गी झोपड़ी जीवन उत्थान मिशन ये परियोजना मेरठ से शुरू हो रही है और एक एक बस्ती में उनके लिए सब चीज़ों की उनकी चिंता करने के लिए जो सलम फाउंडेशन है जो उस पर काम करने के लिए तैयार हुआ है, तो वो यहाँ काम करने आया है, तो उस पर आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अच्छा, क्या क्या करना है इसमें? क्योंकि अभी देखा ही जाता है बाल श्रम रुका नहीं है। शहर भर में आप चले जाएंगे तो आज भी छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। क्या उन बच्चों को भी लाने की कोशिश की जाएगी या खुद आ जाएंगे, उनको रखा जाएगा? बाल श्रम के लिए कानून बना हुआ है, अगर बाल श्रम कराने की कोई कंप्लेंट आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। जो बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ी के, इनके स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, शिक्षा की, हाँ उसमें कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, उनके हेल्थ के स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम है ये, और उसकी कार्य योजना कैसे बनानी है आज उस पर गहन चिंतन हो रहा है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, शहर के माहौल को आप समझ रहे होंगे, कल इंटरनेट बंद रहा, जो लोग आरोपी हैं उनको पुलिस उठा रही है, तो क्या कहते हैं कि शहर का जो माहौल है वो खराब हुआ है, जो आपसे प्रेम भाव था खत्म हुआ है? नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो प्रशासन की थोड़ी खामियां के कारण से हुआ था, बाकी सब ठीक हो रहा है धीरे धीरे और जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी रात भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस किसी भी घर में घुस जाती है, कोई वीडियो नहीं है, कोई फुटेज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, उसका विरोध भी हो रहा है। क्या आप कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से ना करें? कानून किसी को भी तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो पुलिस के लोग हैं चाहे वो उपद्रवी लोग हैं, कोई किसी प्रकार का अगर कोई कानून तोड़ेगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि बिना सबूत किसी को भी नहीं उठाया जाए, शहर सबका है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, शहर में अमन रहे, शांति रहे, हमारा शहर है और शहर में अमन रहेगा, शांति रहेगी तो शहर आगे बढ़ेगा, मेरठ को आगे बढ़ने के अवसर खुल रहे हैं। यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि एक्सप्रेस वे, अभी इसी कल के बजट में देखा होगा आपने, रैपिड मेट्रो ट्रेन ऐसे और आउटर रिंग रोड सारे रखे गए हैं। ये हमने सारे मुद्दे उठाए थे और उन मुद्दों पर काम हुआ है, तो बहुत जल्दी, कल बोला भी है माननीय नितिन गडकरी जी ने कि बहुत जल्दी यहाँ की यातायात सुधरेगी, यहाँ का सिस्टम सुधरेगा, तो मेरठ को उद्योग लाने में बहुत सरलता सहजता हो जाएगी, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। जो लोग रोजगार के लिए नोएडा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, फरीदाबाद गुड़गांव जाते हैं, फिर उनके रोजगार के साधन यहाँ खुलेंगे। CEN न्यूज़ के लिए मेरठ से सादिक खान की रिपोर्ट।